हाँ तो भाई लोग यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आप लोग की लाइफ में नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो यार इस वीडियो में बात करने वाले एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में जो फाइनली रिलीज हो जाएगी आज 8 बजे और उसका प्रीमियर होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है महानायक। और इसी मूवी के करने वाले रिव्यू, देखने वाले क्या देखने को मिलने वाला है आपको इसमें और कैसे लगने वाली है मूवी आपको, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं साहिन सुदकी, राम प्रताप और कुछ और भी अच्छे एक्टर। फिर अब बात निकल कर आती है कि इसकी स्टोरी क्या है, क्या कहानी रखती है हमारे सामने। तो देखो इसकी स्टोरी फोकस करती है एक सानू नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो एक इंजीनियर है और उसकी लाइफ यार लगभग सही चल रही होती है। ये तभी उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लगभग यार बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। और उसका दोस्त उसे शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमाने की एक राय देता है। अब उस आइडिया से उसकी लाइफ बर्बाद होगी या आबाद होगी, इन सब बातों को जानने के लिए तो आपको देखना होगा मूवी को, जो मिल जाएगी यूट्यूब पर 8 बजे से फ्री में। पर अगर आप देखने का प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो वीडियो में यार 10 मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो कैसे लगने वाली है, कितनी पसंद आने वाली है, कितना मजा आने वाला है देखने पर, इन सब बातों के बारे में। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी से ही, तो देखो यार कहानी में कुछ ज्यादा नयापन नहीं है, लगभग यार बहुत ही पुरानी कहानी है कि हाँ यार एक कैरेक्टर होगा जिसकी माँ के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके लिए उसके पैसों की जरूरत पड़ेगी और कुछ वो गलत काम करने लगेगा। अब ये सब चीजें देखने को मिलती है, यहाँ भी एक रूटीन स्टोरी है जो आपको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आने वाली है और इसको बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि हाँ भाई स्टोरी का पॉइंट बहुत ज्यादा पुराना लगा, लगभग यार बहुत ही ज्यादा, और उसको देखते टाइम आप काफी बार बोर होने वाले हो। पर हाँ अगर आप एक हिंदी डब ऑडियंस हो तो भाई यार स्टोरी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि यार हिंदी डब ऑडियंस को ज्यादातर ऐसी मूवी ही पसंद आती है। अगर आपको इस टाइप की स्टोरी पसंद है तो भाई आ सकती है पसंद, पर अगर आप कुछ नया देखने गए हो तो नहीं मिलेगा। साथ में जो स्क्रीन प्ले वो भी यार काफी मतलब यार स्लो है, लगभग आपने इस पॉइंट को काफी बार देख रखा है और इसी वजह से वो स्लो लगता है। लेंथ की प्रॉब्लम है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी जो कॉमेडी यहाँ पे यूज की गई है वो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो आपको हंसाए या फिर ज्यादा हंसाए। अगर एक दो लाइन पे हंसी आ भी जाती है तो भाई पूरी मूवी में एक दो सीन पे हंसना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जो ये मूवी करती है। पूरी मूवी में यार कई जगह आपको हंसाने की कोशिश किया गया है पर वो लगभग यार पूरी तरीके से विफल हुए हैं, वहां पे आप हंसोगे नहीं बल्कि यार अपना माथा पकड़ोगे। साथ में जो सस्पेंस और ट्विस्ट थे वो लगभग यार ओके ओके वाले थे, ज्यादातर चीजों को आपको पहले पता होता है कि किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और क्या दिखा सकते हैं। प्रोडक्शन वैल्यू मूवी की क्वालिटी के हिसाब से यार अच्छी लगी, साथ में जो कैरेक्टर राइटिंग है लगभग यार ठीक ठाक है। अगर बात कर ली इसमें बैकग्राउंड स्कोर के बारे में तो मूवी का बैकग्राउंड स्कोर यार अच्छा लगा और लगभग यार मूवी क्वालिटी से काफी ज्यादा बेटर था। अगर बात करें एक्टिंग के बारे में तो यार एक्टिंग में सहीन सिद्दीकी का काम यार अच्छा लगने वाला है, पसंद आने वाला है। वहीं जो इनसे अलग जो एक्टर देखने मिले हैं काफी सारे, उन सब का काम भी यार अच्छा था। तो अगर फाइनल बात कर ले अब इस मूवी के बारे में कि मूवी कैसी लगने वाली है और इसका हिंदी डब कैसा है, तो हिंदी डब यार लगभग अच्छा कराया गया है, ट्रेलर में तो अच्छा सुनने को मिला था। और साथ में अगर बात कर ले ओवरऑल मूवी के बारे में तो मूवी एक टाइम पास के लिए अच्छी है, पर अगर कुछ अच्छा देखने गए हो, कुछ नया देखने गए हो, कुछ हंसने के लिए गए हो या कुछ एडवांस लेवल का देखने गए हो तो नहीं देखने मिलेगा। अगर टाइम पास करने गए हो तो भाई जाके कर सकते हो, देख सकते हो, अगर हिंदी डब मूवीज देखते ही देखते हो, किसी मूवी को मिस नहीं करते हो। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी एक नई रिव्यू के साथ, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाले बटन पे थोड़ा हाथ मार देना और जल्दी आएंगे आपके पास एक नई वीडियो के साथ में।